हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएम ऑटो कॉर्नर। और आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी वैगनार 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। ये 2022 का न्यू मॉडल है जो कि BXI वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसके इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके जो इनसाइड डोर हैंडल हैं वो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के दिए गए। यहाँ पर आपको 4 पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसके जो ORBM है वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अगर इसके फोल्डेबल की बात करें तो जो कि मैनुअली फोल्डेबल दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। इसमें आप एक लीटर की बॉटल को आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर का ऑप्शन, इसकी जो सीट क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में मिल जाती है। इसकी जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ से आप इसको सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी सीट को पीछे की साइड में खिसका सकते हैं। यहाँ से आप इसके फ्यूल के कैप को आसानी से खोल पाएंगे। और नीचे आपको एक्सीलेटर, ब्रेक और यहाँ पर आपको क्लच का पेडल, और यहाँ से आप इसके बोनट के हुड को ओपन कर सकते हैं। स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बीम के कंट्रोल का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है जिसमें आपको लॉक और अनलॉक का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है AC का वेंट। डुअल टोन कलर में इसका इंटीरियर दिया गया है। तो अभी मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको इस गाड़ी के अंदर की साइड में। तो इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है उसके ऊपर आपको कोई भी कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सुजुकी का 3D में लोगो, यहाँ पर आपको एयरबैग मिल जाता है। डुअल टोन यहाँ पर आपको फिनिशिंग मिल जाती है। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो यहाँ पर आपको टिल्ट में मिलता है जिसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। वैगनार की BXI वेरिएंट में आपको सेमी डिजिटल टाइप का मीटर कंसोल मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीडो मीटर दिया गया है। नीचे की साइड में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, किलोमीटर की रीडिंग मिल जाती है, ट्रिप मीटर मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको रियल टाइम एवरेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंज भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको वार्निंग की इंडिकेशन मिलती है। इस बटन के द्वारा आप इसके मीटर कंसोल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम मिलता है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी दी गई है। डुअल टोन कलर में इसका इंटीरियर है। यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए एयरबैग और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेसियस मिल जाता है। इसके सेंटर में यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पर आपको सेटअप मिलता है। यहाँ से आप इसको वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेनू का बटन, यहाँ पर आपको मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉल और ड्रॉप और पिकअप करने की सुविधा मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ऑक्स केबल का सेटअप और नीचे की साइड में आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको AC के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट भी मिल जाता है। नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक की यहाँ पर आपको नॉब मिलती है। रियर में आपको AC का कोई भी सेटअप देखने को नहीं मिलता है। इसके अपर सेक्शन की बात करें तो को पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं जो कि सनवाइजर के साथ साथ दिए। और यहाँ पर आपको नाइट में यूज करने के लिए एक लैंप मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पीछे वाला मिरर मिल जाता है। और ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपको सनवाइजर के साथ वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ टिकट होल्डर का ही ऑप्शन मिलता है। माइलेज भी इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। कंपनी अभी जो माइलेज क्लेम करती है वो 25 KMPL का। इस गाड़ी में आपको आसानी से माइलेज मिल जाता है।